हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, जी हाँ जीएससी रिलेटेड, जी हाँ, जिसमें हम मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे राज्य जो भारत है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मतलब पुष्प क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए, अगर आप जानते तो बताइए। हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? जी हाँ बताइए, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जी हाँ, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। और इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन रंगों से बना होता है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं वो बताइए आप। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जी हाँ बताइए, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है जो आप गाते हैं हमेशा, हमारी स्कूल में गाया जाता है, सभी जगह गाया जाता है, जनगण मन। जी हाँ, जनगण मन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताइए जल्दी। जी हाँ बताइए, मैं एक हिंट देती हूँ, जो बरसात में नाचने लगता है। जी हाँ, मोर। आपने सही फरमाया, मोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ, यह हमारा राष्ट्रीय गीत या भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ जल्दी से बताइए। जी हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है वो किसने लिखा है बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ बताइए, राष्ट्रीय पशु कौन है? सर, जब राष्ट्रीय पक्षी होता है तो राष्ट्रीय पशु होगा, मतलब एक ना एक कोई राष्ट्र माना है, राष्ट्रीय माना जाता है, तो कौन है? बाघ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? अब आप सोचोगे फल कौन सा है, कौन सा बताइए, सबसे ज़्यादा क्या खाते हो आप, क्या पसंद है? जी हाँ, मुझे तो यही पसंद है, हमारा जो राष्ट्रीय फल है। जी हाँ, आम। क्या है इसका? हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जी हाँ बताइए जल्दी से। जी हाँ, कौन सी है? गंगा। कौन सी? इसका राइट आंसर है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बताइए हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ, ये सारे हमारे राष्ट्र के मतलब एक एक चुना गया है कि ये राष्ट्रीय है, यानी हमारे राष्ट्र की धरोहर है, तो कौन सा है? गीता। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? गीता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है वृक्ष हमारा? जी हाँ, हम जिसकी पूजा करते हैं बहुत घना रहता है, मैं आपको हिंट देती हूँ, बताइए क्या है? जी हाँ, बट वृक्ष, जिसे हम बरगद का वृक्ष भी बोलते हैं। ओके, बरगद का पेड़। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? हमारा नहीं, हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? जी हाँ, राष्ट्रीय मिठाई भी होती है, बताइए कौन सी है? जी हाँ, क्या है? जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी किसको पसंद है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? जी हाँ बताइए, हमारी राष्ट्रीय लिपि कौन सी, किस लिपि में लिखा गया है? हिंदी की राष्ट्रीय लिपि कौन सी थी? देवनागरी। सबसे पहले हमारी लिपि कौन सी थी? देवनागरी थी, उसके बाद इससे बनाई है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जी हाँ बताइए, राष्ट्रीय पंचांग, इसका राइट आंसर है शक संवत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? जी हाँ, जो मुद्रा यानी भारत में कौन सी मतलब वो चलते हैं, नोट कौन से चलते हैं, कौन सी मुद्रा होती है जिसे हम सामान परचेज कर सकते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? रुपया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन उसकी जल्द से जल्द मिलती जाए। ओके, थैंक यू, बाय।